पंडित रामप्रसाद के जन्म से पूर्व ही उनके एक भाई की जन्म के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई थी। रामप्रसाद के बाद उनके घर में 5 बहनों तथा 3 भाइयों का जन्म हुआ। इनमें से 2 भाई तथा 2 बहनें कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद परिवार में 2 भाई तथा 3 बहनें रहीं। उनके परिवार में कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी। उनकी माँ के कारण ही पहली बार इस परिवार में कन्याओं का पालन पोषण हुआ। माँ की ही प्रेरणा से तीनों पुत्रियों को अपने समाज के अनुसार अच्छी शिक्षा दी गई तथा उनका विवाह भी बड़ी धूमधाम से किया गया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान के समय उनके छोटे भाई सुशीचंद की अवस्था केवल 10 वर्ष थी। बाद में उसे तपेदिक हो गई थी, जो चिकित्सा के अभाव में कुछ ही समय बाद दुनिया से चल बसा था। 3 बहनों का विवाह हो गया था, जिनमें से एक की विवाह के बाद मृत्यु हो गई थी। एक अन्य बहन बड़े भाई रामप्रसाद की मृत्यु का दुख सह नहीं कर सकी। उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। केवल एक बहन शास्त्री देवी ही शेष बची। इस करुण कथा का वर्णन श्रीमती शास्त्री देवी ने इस प्रकार किया है। 2 बहनें विवाह के बाद मर गईं। एक छोटी बहन तो जहर खाकर मर गई। भाई को फांसी का हुक्म हुआ सुनकर उसने जहर खा लिया। उसकी शादी भाई ने एक जमींदार के साथ की थी। वह हमसे 6 मील की दूरी पर थी कुचेला के मौज में। छोटा भाई बीमार हो गया, तपेदिक हो गई थी। पिताजी अस्पताल में भर्ती कराए। डॉक्टर ने कहा कि 200 रुपए दो, हम ठीक कर सकते हैं। पिताजी ने कहा कि मेरे पास रुपए होते तो यहाँ क्यों आता, मुझे तो गवर्नमेंट ने भेज दिया। लड़का भी गया, पैसा भी गया, अब तो बहुत दिन हो गए। गणेश शंकर विद्यार्थी 15 रुपए मासिक देते हैं, उनसे गुजर करता हूँ। एक हफ्ता अस्पताल में रहा, उसे खून के दस्त हुए, 24 घंटे में खत्म हो गया। 10वां दर्जा पास था, वह भी बोलने में बहुत अच्छा था। लोग कहते थे कि यह भी रामप्रसाद की तरह काम करेगा। अब इस समय मायके के सारे खानदान में मैं ही अकेली अभागिन रह गई हूँ। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की माँ पूर्णतया एक अशिक्षित ग्रामीण महिला थी। विवाह के समय उनकी अवस्था केवल 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष की नववधू को घरेलू कामों की शिक्षा देने के लिए दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। संभवतः दादी जी अभी तक कुटाई पिसाई का काम करती रहती थी, जिससे बहू को काम सिखाने का समय नहीं मिल पाता था। कुछ ही दिनों में उन्होंने घर का सारा काम, भोजन बनाना आदि अच्छी तरह से सीख लिया था। रामप्रसाद जब 6-7 वर्ष के हो गए तो माताजी ने भी हिंदी सीखना शुरू किया। उनके मन में पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। घर के कामों को निपटाने के बाद वह अपनी किसी शिक्षित पड़ोसन से लिखना पढ़ना सीखने लगी। अपनी तीव्र लगन से वह कुछ ही समय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ना सीख गई। अपनी सभी पुत्रियों को भी स्वयं उन्होंने ही हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराया था। बालक रामप्रसाद की धर्म में भी रुचि थी, जिसमें उन्हें अपनी माताजी का पूरा सहयोग मिलता था। वह पुत्र को इसके लिए नित्य प्रातः 4 बजे उठा देती थी। इसके साथ ही जब रामप्रसाद की अभिरुचि देश प्रेम की ओर हुई तो माँ उन्हें हथियार खरीदने के लिए यदा कदा पैसे भी देती रहती थी। वह सच्चे अर्थों में एक देश प्रेमी महिला थी। बाद में जब रामप्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए तो उनके पिताजी ने इसका बहुत अधिक विरोध किया, किंतु माँ ने उनकी इस भावना का सम्मान किया। आर्य समाज के सिद्धांतों का उन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। पहले वह एक पारंपरिक ब्राह्मण महिला थी, किंतु अब उनके विचारों में काफी उदारता आ गई थी। पंडित रामप्रसाद की माताजी एक साहसी महिला थी। महानतम विपत्ति में भी धैर्य न खोना उनके चरित्र का एक सबसे बड़ा गुण था। वह किसी भी विपत्ति में सदा अपने पुत्र का उत्साह बढ़ाती रहती थी। पुत्र के दुखी अथवा अधीर होने पर वह अपनी ममतामयी वाणी से सदा उन्हें सांत्वना देती थी। रामप्रसाद के परिवार में कन्याओं को जन्म लेते ही मार देने की एक क्रूर परंपरा रही थी। इस परंपरा को उनकी माताजी ने ही तोड़ा था। इसके लिए उन्हें अपने परिवार के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। दादा और दादी दोनों कन्याओं को मार देने के पक्ष में थे और बार बार अपनी पुत्र वधू को कन्याओं को मार देने की प्रेरणा देते थे, किंतु माताजी ने इसका डटकर विरोध किया और अपनी पुत्रियों के प्राणों की रक्षा की। उन्हीं के कारण इस परिवार में पहली बार कन्याओं का पालन पोषण तथा विवाह